नंबर फोर में हमें कुछ प्लेन्स दिया गया है। पहला है x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो एंड y प्लस z इक्वल टू वन। इन प्लेन्स से जो बाउंडेड रीजन बना है वो है V। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V y इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर a में बोला गया है हाफ, b में बोला गया है 4/3, c में बोला गया है 1 एंड d में बोला गया है 1/3। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम z को z का लिमिट पहले लेंगे। z इक्वल टू क्या है 0 टू, यहाँ से हमें मिलेगा z इक्वल टू 1 माइनस y, ओके। एंड y dz को पहले हम लिख लेते हैं dz dx dy। अच्छा, तो डबल इंटीग्रल, y को बाहर लिख सकते हो आप, dz को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा क्या z, एंड लिमिट है 0 टू 1 माइनस y dx dy। डबल इंटीग्रल y, यहाँ पे आएगा 1 माइनस y माइनस 0 dx dy। अच्छा, अब देखो, अब जो हमें देखना है, यहाँ पे हमें एक्स वाई प्लेन पर देखना होगा, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक है, ये है x, y, x इक्वल्स टू 0 है ये, x इक्वल्स टू 2 है ये, एंड y इक्वल्स टू 0 है ये, एंड y इक्वल्स टू 1 होगा ये। देखो y इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ, देखो xy प्लेन जो है, ये xy प्लेन पे z जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे आप z इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, x है 0 टू 2 तक, एंड y जो है वो है 0 टू 1 तक। तो x इक्वल्स टू 0 टू 2, y इक्वल्स टू 0 टू 1, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे काम करो, अच्छा तो यहाँ से ये क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट है, वाई का लिमिट है 0 टू 1 डी वाई एंड डी एक्स, एक्स का लिमिट क्या है, x से 0 टू 2 तक, ओके। अच्छा, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, y का लिमिट है 0 टू 1, डी एक्स को करोगे तो आएगा x 0 टू 2, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे x का लिमिट पुट करोगे तो आएगा 2, एंड यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो आएगा हाफ माइनस 1/3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1/3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 20 में हमें एक कोन दिया गया है z इक्वल्स टू 3 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक पैराबोलॉइड दिया गया है z इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कोन एंड पैराबोलॉइड से जो सरफेस बना है उसका एरिया हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। ये कोन को हम इस तरह से लिख सकते हैं z माइनस 3, जी को हमने इसे पे लिया माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो कोन है वो दिखने में कैसा होगा, ये मान लो x एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अच्छा, तो मान लो यहाँ ये है x डैश, अच्छा तो ये जो पॉइंट है वो होगा 0,0,3, एंड ये जो पैराबोलॉइड है ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है वो होगा 0,0,1, ओके। अच्छा, तो ये पैराबोलॉइड है इस, तो आप देखो यहाँ पर जो सरफेस एरिया हमें चाहिए वो है ये, ओके। तो यहाँ पे हम जो पहले जो काम करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर देंगे, ये है S1 एंड ये है S2। अब S1 का सरफेस एरिया पहले हमें हम फाइंड करेंगे, तो देखो S1 क्या आएगा, S
वन इक्वल्स टू होगा डबल इंटीग्रल रूट अंडर वन प्लस डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल रूट अंडर, यहाँ पे आप अगर डेल जेड वन प्लस डेल जेड डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा, माइनस रहेगा एंड यहाँ पे होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक टू होगा यहाँ पे एंड एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा टू एक्स, टू से टू कैंसिल, इसका होल स्क्वायर होगा एंड वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो होगा माइनस वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल रूट अंडर यहाँ पे है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो दिस इक्वल्स डबल इंटीग्रल वन प्लस ये पर होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो होगा वन, तो रूट टू। अच्छा यहाँ पे डी एक्स डी वाई है। ओके, डी एक्स डी वाई। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम एस टू को देख लेते हैं। ठीक है, एस टू क्या होगा, एस टू इक्वल्स टू क्या होगा, डबल इंटीग्रल रूट अंडर वन प्लस डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर, जेड क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल जेड डेल एक्स करोगे तो होगा टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई करोगे तो होगा टू वाई का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल, अच्छा यहाँ पे डी एक्स डी वाई है, तो रूट अंडर वन प्लस यहाँ से टू स्क्वायर मतलब फोर को कॉमन ले लो, होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन एस वन एंड एस टू जो है इन दोनों को हम इन दोनों का सॉल्व कर देंगे, मतलब ये दोनों कर्व जो है, ये जो कोन एंड पैराबोलॉइड ये दोनों कहाँ पर कट किया है वो प्लेन हमें चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो कोन क्या है, जेड इक्वल्स दिया गया था थ्री माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड पैराबोलॉइड क्या दिया गया था वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा एक काम करो थ्री को इस साइड पे ले जाओ तो आएगा माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस होगा टू। ठीक है, अच्छा तो अब एक काम करो बोथ साइड पे आप स्क्वायर कर, अच्छा बोथ साइड पे स्क्वायर करने से पहले एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है इक्वल्स टू आर, देखो ये दोनों कर्व कोन एंड पैराबोलॉइड जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, एंड सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा, तो क्यू आर स्क्वायर होगा क्योंकि इसका अगर आप एक्स वाई प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो वो इस टाइप का होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर होगा, मतलब माइनस आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब इस आर को आप एक सभी को एक साइड पे ले आओ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू, तो दिस इंप्ला इक्वल्स टू जीरो, आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज आर इंटू आर प्लस टू माइनस आर प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर प्लस टू इंटू आर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू आइदर माइनस टू और आर इक्वल्स टू वन, रेडियस का भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है नेगेटिव, तो आर इक्वल्स टू वन होगा। ओके, अच्छा तो अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कल मिला है हमें इसका रेडियस है वन एंड ये यहाँ पर थीटा क्या होगा जीरो टू टू पाई तक। ठीक है,
तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे आर इक्वल्स टू लिख दो 0 to 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई √2 dx dy। तो dx dy क्या होगा, r dr d थीटा, जेको भी जो होगा वो होगा r, ठीक है। अच्छा तो एंड यहाँ पर भी r इक्वल्स टू 0 to 1, थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, √1 + 4x² + y² होगा r स्क्वायर, dx dy है r dr d थीटा, ओके। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू √2 को आप बाहर ले लो, ठीक है। एंड आर को करोगे इंटीग्रेट करोगे तो होगा r² / 2, लिमिट है 0 to 1, डी थीटा को करोगे तो होगा थीटा 0 to 2 पाई। एंड यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे तो आएगा √2 पाई। एंड यहाँ पे देखो अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे, एक काम करते हैं मैं पहले डी थीटा को कर लेता हूँ, डी थीटा को करोगे तो आएगा थीटा, एंड आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। एंड आर है यहाँ पर, आर है 0 to 1, √1 + 4r², ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आर डी आर को यहाँ पे मैं एक 2 से यहाँ पर हाफ ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2r dr को हम लिख सकते हैं dr², ठीक है। तो यहाँ पर एक हाफ है एंड 2 से 2 कैंसिल। अच्छा इसे करोगे तो आ जाएगा 1/4 × 1 + 4r² / 1 + 1/2, मतलब 3/2, लिमिट है 0 to 1 तक, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 × 2/3 × आप लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, 1 + 4 मतलब 5^3/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो दिस इक्वल्स टू 1/6 × 5^3/2 -1। अच्छा ये हमें मिला है S2, तो टोटल जो सरफेस एरिया हमें मिलेगा वो क्या होगा, S इक्वल्स टू होगा S1 + S2, ओके। तो हमें S1 मिला था √2 पाई, प्लस S2 मिला है 1/6 × 5^3/2 -1, ओके। 23A में हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना होगा। इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, इंटीग्रल -1 to 2 एंड इंटीग्रल -x to 2 − x² fx, y, dy, dx। अच्छा यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो पहले y क्या है, y इक्वल्स टू -x से y इक्वल्स टू 2 − x², ओके। अच्छा y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू -x, ये क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है y इक्वल्स टू -x, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू 2 − x² जो कर्व होगा वो होगा ये, ओके। अच्छा ये है y इक्वल्स टू 2 − x², ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है 0,2, एंड ये पॉइंट एंड ये पॉइंट क्या होगा, आप एक काम करो, सॉरी ये है y इक्वल्स टू -x, आप यहाँ पे y के जगह या x के जगह आप y के जगह -x पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे आप y के जगह अगर आप -x पुट करोगे तो होगा 2 − x², तो दिस इंप्लाइज x² इक्वल्स टू क्या होगा, -x + 2। तो -x को -2x + x लिख सकते हो, इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, आप x कॉमन लोगे तो आएगा x − 2 × x + 1 इक्वल्स टू 0, ओके। एंड मतलब x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, x इक्वल्स टू 2, -1 मिल रहा है। तो यहाँ से y क्या मिलेगा,
तो y इक्वल्स टू होगा माइनस टू कमा वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा x इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ पर x का नेगेटिव साइड है, माइनस वन कमा, जब x इक्वल्स टू माइनस वन तब y इक्वल्स टू वन, एंड ये पॉइंट जो होगा वो होगा टू कमा माइनस टू। ओके अच्छा, एंड ये तो हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू दिया गया था तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू। अब देखो x कहाँ से कहाँ तक है, x जो है वो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस कर्व से इस कर्व तक है x। देखो y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके तो यहाँ से x क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस रूट अंडर 2 माइनस y। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड का, ये है माइनस रूट अंडर 2 माइनस सॉरी y स्क्वायर नहीं y। ओके एंड ये जो कर्व है वो होगा x इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस y, ठीक है। एंड अच्छा एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। अब एक चीज देखो, यहाँ पे y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, y कहाँ से कहाँ तक होगा, x तो हमें मिल गया लेकिन y कहाँ से कहाँ तक होगा हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक लाइन x एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू वन, क्योंकि इस पॉइंट पे y इक्वल्स टू वन है, ठीक है, y इक्वल्स टू वन। ओके अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे हमने कहाँ तक कहा लिया, x इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे y कहाँ से कहाँ तक है, y है y इक्वल्स टू वन से y इक्वल्स टू टू तक। ओके तो y इक्वल्स टू वन से टू तक, ओके प्लस, एंड हमें ये जो पोर्शन है ये मिला है लेकिन ये नहीं मिला। तो अब हम इसे देखेंगे, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, x है यहाँ से यहाँ तक, तो x इक्वल्स टू माइनस वाई, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है x इक्वल्स टू माइनस वाई से यहाँ तक रूट अंडर 2 माइनस वाई, एंड y कहाँ से कहाँ तक है, y है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पर है y इक्वल्स टू माइनस टू से y इक्वल्स टू वन तक। ओके ठीक है।